टू माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हैप्पी टमी टू हैप्पी हार्ट विद स्मिता पर जाकर रेड बटन को क्लिक करें तो इस तरह ये सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही बगल में बेल बटन है, उसे इस तरह प्रेस करेंगे तो आपके पास जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे अपने वुलन्स, ब्लैंकेट और क्विल्ट्स को स्टोर करती हूँ बहुत ही छोटे स्पेस में। नॉर्मली जब हम लोग ये पैक करते हैं तो काफ़ी सारे मेथड यूज़ करते हैं ताकि जब हम नेक्स्ट सीजन में अपने सामान को खोलें तो वो सही कंडीशन में हो, कोई डैमेज नहीं हो। तो मैं जो करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इस तरह के जिप लॉक बैग्स यूज़ करती हूँ मेनली क्विल्ट और ब्लैंकेट को स्टोर करने के लिए। ये ट्रांसपेरेंट हैं, साथ ही आपको ये 3 डिफरेंट साइजेस में मिल जाएंगे, ये स्मॉल, मीडियम और लार्ज। और ये एक सेट में आपको एक साइज के 4 मिल जाएंगे, तो इस तरह से 12 बैग आपके पास होंगे। और इस तरह की एक मोटर इसके साथ मिलती है जो इन बैग्स को वैक्यूम करने का काम करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो काफ़ी अच्छा इसका फंक्शन है, काफ़ी फास्ट भी है। जो हमारे बैग्स हैं उसमें इस तरह का एक नोजल मिलेगा जिस जो कैप के साथ है, उसमें ये मोटर अटैच हो जाती है और ये इसको वैक्यूम कर लेती है बहुत आसानी से। साथ ही जो उसका माउथ है उसमें इस तरह के जिप लॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पर जो मैं ब्लैंकेट स्टोर कर रही हूँ 3 छोटे साइज की हैं और एक क्विल्ट है, प्रॉपर डबल बेड की क्विल्ट है, तो इसे हम बड़े वाले जिप लॉक बैग में स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्विल्ट को डालेंगे क्योंकि सबसे बड़े साइज में वही है हमारे पास, और बाकी बची जगह में हम ब्लैंकेट्स को एडजस्ट करेंगे इस बैग में। तो मैंने इस क्विल्ट को अच्छे से फोल्ड कर लिया है और अब इस जिप लॉक बैग में इसे हम डाल देंगे। और जब भी आप जिप लॉक बैग को पैक कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं यूज़ करें या बहुत ज़बरदस्ती नहीं इसमें भरें कोई भी चीज़ पड़ी। जिस साइज़ का सामान है उसी तरह से उसी तरह का फोल्ड बना के इस पर आप डालें, क्योंकि ये प्लास्टिक का बना है तो हो सकता है फट जाए किसी वजह से। मैं इसे 4 साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बट हाँ, अगर आप ओवर क्राउडेड कर देंगे तो हो सकता है कि आप उठाते हुए या फिर आप पैक करते हुए इसको कहीं से ये फट जाए, तो फिर ये किसी काम का नहीं आपका रहेगा। और इस तरह से मैंने सारी ब्लैंकेट्स को फोल्ड करके इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर अभी स्पेस है, एक और ब्लैंकेट आप रोल करके इसमें डाल सकते हैं, बट मैं ऑलरेडी अपना सारा सामान पैक कर चुकी हूँ। लास्ट स्लॉट ये था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर इस तरह का एक क्लिप मिलेगा जिसकी हेल्प से आप इसे जिपलॉक कर सकते हैं। इन दोनों छोर को हम एक साथ मिला लेंगे और अब इसमें क्लिप को अटैच करके इसको प्रेस करते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे। हमें एक तरफ से दूसरी तरफ इसको प्रेस करते हुए ले जाना है, साथ ही हम दूसरे हाथ की मदद से चेक करते रहेंगे कि कहीं से कोई गैप तो नहीं रह गया है। अगर आपको डबल श्योर होना है तो आप इसको इस तरह से 2-3 बार एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएं, तो आपको प्रॉपर अंदाजा लग जाएगा कि अच्छे से लॉक हो चुका है, कोई इसमें गैप नहीं है। अगर इसमें गैप रहेगा तो एक तरफ तो आप इसको वैक्यूम कर रहे होंगे, एक तरफ से एयर निकल रही होगी, तो वैसा नहीं करना है। अब इसको हमने पॉइंट से जोड़ दिया है, इसका नोजल हम खोल लेंगे और अब इस नोजल के साथ ये मोटर को हम अटैच कर देंगे। इसमें रिंग्स बने हुए हैं तो ये इजीली अटैच हो जाता है, और यहीं पर इसका ऑन ऑफ का बटन है तो आप यहीं से इसको ऑन करके इस तरह से वैक्यूम कर सकते हैं हम इसे। ये मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि ये किस तरह काम करता है। अगर आपको लगे तो आप हल्का हल्का प्रेस कर सकते हैं इसको, नहीं तो ये जस्ट खुद से ही वैक्यूम कर देता है प्रॉपरली। पर कहीं पे आपको लगता है कोने में जगह है तो वहां पे आप इसको इस तरह से प्रेस कर सकते हैं, और ये बहुत ही फास्ट काम करता है। सारी जो एयर इसमें है वो बाहर निकल जाती है, और इसका ये फायदा है कि इसमें कोई डस्ट आपकी नहीं जाएगी। जब एक बार ये जिप लॉक हो जाएगा, कोई एयर नहीं रहेगा तो कोई जर्म्स में फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो कोई नुकसान आपको इससे नहीं होने वाला है। जब ये पैक एक बार हो जाएगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि आपने जो सामान रखा है वो बिल्कुल सुरक्षित है इसके अंदर। साथ ही कोई
बेड ओडर भी फॉर्म नहीं होती है क्योंकि एयर नहीं है। एयर ना होने की वजह से ये कोई भी चीज़, किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स हमें नॉर्मली फेस करनी पड़ती है वो इसमें नहीं आती है। और आप जब एक बार पैक हो जाइए, इसको नोजल को अच्छे से टाइटली बंद कर दें और इसके बाद ये स्टोर करने के लिए रेडी है। आप इसे कहीं भी उठा के रख सकती हैं, आप बॉक्स में रखें चाहे सेल्फ पे आप इसी तरह रख दें। और ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी कम हो गई है, कितनी फ्लफी थी ये ब्लैंकेट्स और ये क्विल्ट, और अब कितना कॉम्पैक्ट सा एक पैकेट बन गया है। मैं नॉर्मली इसे बेड का जो स्टोरेज बॉक्स होता है उसमें स्टोर करके रखती हूँ और ये बहुत ही अच्छे से पैक रहता है पूरे साल। इसी तरह कोई डस्ट नहीं आती। आप देख सकते हैं कितना मोटा ये था पहले साइज का, और अब ये पैक होने के बाद बिल्कुल ही स्लीक हो गया है और विजिबल है। सारी चीजें जो भी हमने इसके अंदर रखी हैं उन्हें हम इजीली देख सकते हैं, तो हमें आसान रहता है जब हमें बीच में कभी कोई चीज निकालनी हो तो हम इजीली उसी पैकेट को खोल के निकाल सकते हैं। काफी यूजफुल है। मैं से 4 से 5 साल मुझे हो गए हैं इसे यूज करते करते। मैं अपने नॉर्मल जो घर के कपड़े हैं, वुलन क्लोथ्स हैं, उन्हें भी इसी तरह स्टोर करके अपने जो बेड का स्टोरेज बॉक्स है उसमें रख दिया करती हूँ, और ये नेक्स्ट ईयर तक बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश रहेंगे जिस भी तरह आपने इन्हें रखा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।